प्लास्टिक के कटलरी रहते होंगे या बाउल रहते हैं उसमें आपको स्विच किया जाता है। एक्चुअली जो उसमें जो थर्मोसेट मटेरियल जो यूज किया जाता है वो थर्मोसेट मटेरियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है, उनके प्रॉपर्टीज काफी अच्छे होते हैं। यही कारण है कि जितने भी आपके यूटेंसिल्स जो है वो थर्मोसेट मटेरियल के ज्यादातर बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपको होटल में आपको फूड सर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग जो ये देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इवन पाइप्स है और टेबल चेयर कंटेनर्स है, गियर्स है, ये सारे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जो रॉ मटेरियल जो होते हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जनरेट होता है वो रॉ मटेरियल्स इस तरह के फॉर्म में आते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आते हैं या पाउडर फॉर्म में आते हैं और उसमें वो मास्टर बैच दे करके उसको कलरफुल बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है आज के समय में प्रोडक्ट अट्रैक्शन जरूरी है, अगर आप प्रोडक्ट देखें सुंदर लगेगा तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी परचेज करते हैं, तो इसलिए उसको कलरफुल बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए हम लोग उसमें मास्टर बैच देते हैं, उसमें एडिंग करते हैं, एडिटिव्स होते हैं, एडिटिव मेंशन जो छुप के नहीं दिखता है। प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो है इसको मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है, वन इज प्राइमरी टेक्निक्स और अदर इज सेकेंडरी टेक्निक्स। प्राइमरी टेक्निक्स इन मेन टेक्निक्स होता है जिस तरह के हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाते हैं, बट उस प्लास्टिक प्रोडक्ट को यूजफुल बनाने के लिए हम उसमें सेकेंडरी टेक्निक्स यूज करते हैं। सपोज दैट जैसे बकेट में तो बाल्टी का नीचे का जो बॉडी पोर्शन है वो हम लोग बनाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से, बट वो यूजफुल नहीं है। उसमें फिर हैंडल लगाना जरूरी है, हैंडल अलग मशीन से बनेगा, बकेट अलग मशीन से बनेगा, लेकिन असेंबली एक सेकेंडरी ऑपरेशन आता है जिसमें कि हम हैंडल को उस बकेट में फिट करके उसको यूजफुल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पेन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, पेन अगर आप देखेंगे तो पेन के हर एक पार्ट अलग अलग मोल्डिंग होता है, ये कैप अलग होगा, ये अलग होगा नोजल, ये बॉडी अलग होगा, पीछे का स्टॉपर अलग होगा, रिफिल अलग बनेंगे, लेकिन क्या सभी अलग अलग बन करके यूजफुल नहीं है, जब तक वो असेंबली लाइन में जा करके कंबाइंड होकर के एक पेन नहीं बनेगा। ठीक, तो सेकेंडरी ऑपरेशन काफी जरूरी है प्रोडक्ट को यूजफुल बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए। कभी कभी किसी प्रोडक्ट को सुंदर बनाने के लिए असेंबली मतलब की हमारा सेकेंडरी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई फूड कंटेनर देखते हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग रहते हैं। ठीक, या नहीं तो आप शोकेस में प्रिंटिंग देखते हैं, मग के ऊपर प्रिंटिंग देखते हैं, बकेट के ऊपर प्रिंटिंग देखते हैं, वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। विदाउट प्रिंटिंग का भी आप मग यूज कर सकते हैं, बकेट यूज कर सकते हैं, बट क्या अट्रैक्शन कि अगर आपका प्रोडक्ट जनरल से हट करके थोड़ा रहेगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे। आप मग खरीदने जाते होंगे, पहले आप प्लेन मग खरीदते होंगे, अभी खरीदने जाइएगा बोले यार प्रिंटिंग वाला थोड़ा सा यूज करते हैं। तो वो सेकेंडरी ऑपरेशंस में आता है। प्राइमरी ऑपरेशंस में हमारा जो मेन ऑपरेशन है इंजेक्शन मोल्डिंग है, एक्सट्रूजन है, ब्लो मोल्डिंग है, रोटेशनल मोल्डिंग है, कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग है। ये जो फाइव टेक्निक्स है ये जो है ये प्राइमरी टेक्निक्स में आते हैं और सेकेंडरी में प्रिंटिंग, वेल्डिंग, असेंबली, डिफ्लेसिंग, कोटिंग इस तरह के बहुत सारे हैं। तो जैसे कि प्रिंटिंग में आप जैसे मैं समझाया पता है कि कपड़ों से मतलब नीचे नहीं होता, या फिर आप घर वाले इंटरनेट पर देखते होंगे जो देखते हो उसमें आप देखते होंगे प्रिंटिंग 1, 2, 3, 4 ऐसा करके क्या हो जाता है। वेल्डिंग में बहुत सारे जैसे मेटल वेल्डिंग होता है उसी तरह प्लास्टिक में भी वेल्डिंग होता है। जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखते होंगे जिसको कि आप सही नहीं कर सकते हैं, जैसे चार्जर की सबके जो प्लग आप रहते हैं या चार्जर का जो रहता है प्लग रहता है वो आप उसको सही नहीं कर सकते, खराब होने के बाद आप दूसरा कोई चेंज करता है, तो एक्चुअली क्या होता है वो वेल्डिंग करके उसको एक बनाया जाता है।